जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के स्पीडीज में हम लोग एसएसजीडी का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं जो कि 5 जून 2011 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, आज लास्ट पार्ट है और ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, इससे पहले आपको जीके, रीजनिंग, हिंदी ये सब करा दिया गया है। आज बारी है मैथ्स की, तो मैथ्स के बाद आपको इसका लाइव मॉक टेस्ट भी दे दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सब कुछ का। ठीक है, आप वहां पर जाकर मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रश्न लगाते हैं और लास्ट में आप ना कमेंट कर देना कि आपको कितने मार्क्स आए, 25 में से कितने मार्क्स आपने हासिल किए, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका उत्तर भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 51 दिया गया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। कहता है कि एक वस्तु को 960 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तब लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्या है, रुपीज 960 रुपये जो है वह बराबर है कितने के, 100 - 4% के। ठीक है, क्योंकि 4% की हानि हुई है तो रुपीज 960 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपके 96% के। ठीक है, तो किसी भी अंक का 96 यदि 960 है तो इसका 100% क्या होगा, तो इसका 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 960 इंटू 100 बटे 96। अब इसको 10 टाइम में काट दीजिए, इक्वल्स टू क्या हो गया, 1000। ठीक है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व, उत्तर क्या हो जाएगा, 1000, 51 के ए में दिया गया है। कुछ बच्चों ने अलग तरीके से भी कमेंट किया है तो वो भी अच्छा है, हिंदी वाले में वहां आप देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने भी बताया है तो अच्छा लगा मुझे वो भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब कह रहा है कि 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134, 1206 का एक तिहाई 134 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1206 का 1/3 कर लीजिए, ये कितने के बराबर होता है, ये आपके 402 के बराबर होता है। ठीक है, 402 के बराबर। अब क्या कहा गया है कि 134 के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 402 आपको आ रखा है, परसेंटेज 100 होता है और उसको 134 से भाग दे दो। ठीक है, ये आपके 3 में कट गया, क्या आ गया, 300%। ठीक है, उत्तर ढूंढिए, डी में दिया गया है तो 52 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इफ पॉपुलेशन ऑफ वोमेन इन विलेज इज 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेन, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेन एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वोमेन। कहा जा रहा है यदि एक गांव में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या का 90% है तो महिलाओं की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। सिंपल सी बात है, यदि आप मानते हो कि 100 पुरुष हैं तो उसका 90%, ठीक है, तो 90 महिलाएं हो गई। ये चीज समझ में आ गई आपको, यदि हमने माना कि पुरुष की संख्या 100 है और उसके अकॉर्डिंग कि 90% महिलाएं भी हैं तो 100% का 90% कितना होगा, 90 होगा ना, अर्थात महिलाएं कितनी हो गई, 90 हो गई। ठीक है, 90 महिला। अब आपको क्या कह रहा है कि महिला के अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो निकाल दो ना, सिंपल सा देख लो, 100 का 100% बटे 90। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका, देखिए बटे 90, इससे एक जीरो काट दो। ठीक है, 9 × 9 फिर 10 हो गया, फिर 1.111 ये चलता रहेगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 111। ठीक है, क्योंकि यह 5 से कम है तो 111 आपका हो जाएगा। कहां दिया गया है, 53 के डी में दिया गया है तो 53 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े, 54 दिया गया है, जॉन इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी एट द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एट एंड ऑफ 4 इयर्स, द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट अर्न वाज 770, द अमाउंट इन्वेस्टेड वाज। कहा जा रहा है कि जॉन ने 10% की वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि को निवेश किया, 4 के अंत में उसको कुल ब्याज के साथ 770 मिले, तो निवेश की गई राशि कितनी थी, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, यदि आप यहां पर मूलधन मान लो, मूलधन बराबर एक्स रुपया, ठीक है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ये हो गया ना। अब आप फॉर्मूला जानते हो ना, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय
गुने दर, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इस फॉर्मूले पे प्रश्न डाल दो, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। मूलधन कितना है? मूलधन आपका एक्स है। चलिए ब्याज कितना है? 770 माइनस एक्स, 770 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा? समय आपके पास जो है वह 4 वर्ष का है और रेट जो है वह आपका 10% है, ठीक है। ये 10 टाइम्स में कट गया, ठीक है। आप देखो ये 2 ये 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका देखिए 2 इधर चला गया, तो ये 2x हो गया, जो कि बराबर होगा 770 गुने 5 माइनस 5x के, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 5x जो कि बराबर हो गया 770 गुने 5, तो 770 गुने 5 कर लो, ठीक है, 770 गुने 5। यहां पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये दोनों जब ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 770 इंटू 5, तो x आसानी से निकल जाएगा ना। x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका 770 इंटू 5 बटे 7, ये लीजिए 110 इक्वल्स टू क्या हो गया 550 निकल कर चला आया। तो मूलधन पूछा गया था ना, निवेश की गई राशि ना, जो कि x हमने माना था, और x 550 रुपए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 दिया गया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 फॉर 2 ईयर एट 7:1/2% पर एनम इज, कहता है 6400 रुपए का 2 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ये जो दे दिया ना 7:1/2, जो कि 15/2 हो जाता है, ये थोड़ा फंसाने वाला है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, सी आई इक्वल्स टू मूलधन, ठीक है, जिसको कि आप प्रिंसिपल कहते हैं, इनटू 1 + R/100 2d/n और ये -1 हो जाता है, ठीक है। यदि यहां पर रेट सिंपल होता तो प्रश्न सॉल्व करने में आसान था, लेकिन रेट थोड़ा सा घुमाया गया है तो थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, लेकिन उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया 6400, ठीक है, गुने 1 + 15/2/100 2d/2, क्योंकि 2 साल कह रहा है, n इक्वल टू समय होता है, और -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 6400 गुने, इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका हो गया 15/2 है, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 15/2 × 100 हो जाएगा, तो ये आपका 1 + 15/200 हो जाएगा, ठीक है, -1 ये आ गया। मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 6400 इंटू ये क्या हो जाएगा 200, और ये 200 + 15, ठीक है, -1, और समय ये हो गया 2। अब आगे बढ़िए, 6400 इंटू 215/200, ठीक है, स्क्वायर उसका, यहां पे स्क्वायर मिसिंग है, ये लीजिए स्क्वायर हो गया, और -1, भाग लगाइए 5 से, 40 बार में कट गया, ये 43 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, 6400 गुने क्या हो जाएगा बताइए, 43 × 43 1849, 1849 और बटे में क्या हो जाएगा, 40 × 40 1600 -1, बस इसको सॉल्व कर देना है, थोड़ा सा लेंथी है सॉल्यूशन, बाकी कुछ नहीं है, आप शॉर्ट नहीं कर सकते इससे ज्यादा, आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। 6400 गुने, अब ये क्या हो जाएगा, 1600 1849 -1600, ठीक है, क्या हो गया 6400 गुने 1600 और इसको घटाइए कितना आ जाएगा 249, 16 × 64, ठीक है, तो 249 गुने 4 कितना आता है, ये आपका 996 रुपीज निकल कर चला आता है, ठीक है। तो प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, तो 996 ढूंढना है जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 55 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें कि कुछ श्रमिकों के दैनिक भुगतान के बारे में है, और उसके साथ साथ कितने वर्कर हैं ये दिया गया है, ठीक है, ये ग्राफ है मूल तौर पे, इसी पे प्रश्न सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली पेमेंट इज ₹20, मतलब वैसे श्रमिक जो कि 20 रुपया डेली कमाते हैं,
तो देखिए 20 रुपया कमाने वाले ना, ये रहा आपका डेली का पेमेंट। यहां पर देखिए दैनिक पेमेंट जो है वो इस तरफ दिया गया है और ये उनकी संख्या है। तो 20 रुपये कमाने वाले, अर्थात 20 रुपये यहां पर है, तो 20 रुपये कमाने वाले कौन होंगे? देखिए 20 रुपये कमाने वाले आपके 20 हो जाएंगे, जो कि यहां दिया गया है। तो 20 रुपये कमाने वाले 20 आपके सी में दिया गया है, तो 56 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए 57 दिया गया है, द टोटल डेली पेमेंट मेड टू द ग्रुप विच कंटेन्स 9 वर्कर। कहता है कि वैसे समूह का पता लगाना है इसमें 9 कर्मचारी हैं और उन सभी को कुल कितना दैनिक भुगतान मिलता है ये पता करना है। देखिए तो 9 वाले देखते हैं, 9 वर्कर का ग्रुप ये है, ठीक है, 9 वर्कर का ग्रुप ये है, और ये देखो आप 35 रुपीज के आंकड़े पे जाता है। तो 35 रुपये एक बंदे को मिला, कुल 9 बंदे हैं, कितना हो जाएगा बताइए? 315 रुपये। ठीक है, कुल दैनिक भुगतान जो है उन 9 लोगों को 315 रुपये किया गया। तो 315 आपके बी में दिया गया, तो 57 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 58, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया 1+1/5, ये 5, 5+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1+1/6/5, दैट्स इक्वल्स टू 1+5/6, दैट्स इक्वल्स टू 6, 6+5 इक्वल्स टू 11/6, कहाँ दिया गया है? ए में, 58 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 59 दिया गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 520 एंड देयर एचसीएफ इज 4, इफ वन ऑफ नंबर इज 52 देन द अदर नंबर इज। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है वह 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है 4 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला पढ़ाया ना आपने, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही होता है ना, कर दो ना, क्या हो जाएगा? ढूंढिए, पहली संख्या आपको 52 दी गई है, दूसरी संख्या नहीं है, एलसीएम आपका 520 है, एचसीएफ आपका 4 है, इसको 10 टाइम्स में काटिए तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया? 10×4=40, है ना, उत्तर क्या हो जाएगा? 59 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 दिया गया है, 0.42×10^k=42, देन द वैल्यू ऑफ के। कहता है यहां पर के की मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा? 42.42×100^k=42 दिया गया है, तो इस डेसिमल को हटाओ ना, 42/100, 100^k=42। अब देखना 100^k को इस तरफ ही रहने दो और इस टर्म को इस तरफ ले चलो, क्या हो जाएगा? 42×100/42, इससे ये कट गया, क्या निकल के आया? 100k=100। अब 100 है तो इसके ऊपर क्या है? एक वैल्यू छुपी हुई है। अब पावर पावर का देखना है ना, तो k इक्वल्स टू क्या निकल गया? 1 ना, उत्तर क्या हो जाएगा? 60 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 61 दिया गया है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में गलत नंबर का पता लगाना है। यहां पर 169, 144, 121, 182, 64, 49 दिया गया है। ये क्या है बताइए? यह 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर ही नहीं है, क्योंकि यहां पर 81 होता तो वह 9 का स्क्वायर होता। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो सभी टर्म तो स्क्वायर वाले हैं लेकिन ये नहीं है ना, उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? उत्तर आपका डी हो जाएगा, कि इस श्रेणी में डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 62 दिया गया है, √64 − √36 किसके बराबर है? तो √64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 − 6 = 2, सॉल्व हो गया, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब कह रहा 63 में 1+2+3+100 = x, देन देखिए यहां पर क्या है, 1 से लेकर 100 तक के लगातार संख्याओं का योग है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? n×n+1/2 = क्या हो जाएगा? 100×100+1/2। ठीक है, तो 100×101/2, ये आपका 50, मल्टीप्लाई कर दो, 5050 निकल के आ गया, कहां दिया गया है? 63rd के ए में।
तो 63rd का ये उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 64 दिया गया है, वॉकिंग 8 आवर अ डे अनु कैन कॉपी अ बुक इन 18 डेज, हाउ मेनी आवर अ डे शुड सी वॉक सो फिनिश द वर्क इन 12 डेज। क्या कहा जा रहा है कि 18 दिन में अनु यदि डेली 8 घंटा काम करती है तो पूरा एक किताब कॉपी कर लेती है। अब यही पूरा एक किताब वह कितने घंटे काम करे कि 12 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखो, हमें क्या है, आवर बढ़ाना है, डे घटाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 12/18 इंटू, और ये हो जाएगा 8/x। ठीक है, अब काट दो, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 18 × 8/12। ठीक है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 6 = 18, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 आवर। मतलब यदि उसे 12 दिन में खत्म करना है तो उसको एक दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा। तो 64 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में, दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें, और PDFs वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें WhatsApp या फिर Telegram इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, PDF वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 65 दिया गया है, और स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन लास्ट फॉर 21 डेज फॉर विलेज ए, द सेम स्टॉक वुड बी लास्ट फॉर 28 डेज फॉर विलेज बी, इफ द फूड ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर बोथ द विलेज टुगेदर द स्टॉक वुड बी लास्ट फॉर। कहा जा रहा है कि अनाज का भंडार है ए गांव के लिए जो 21 दिन चलता है, वही बी गांव के लिए 28 दिन तक चलेगा, तो यदि दोनों एक साथ उपयोग किया जाए तो कितने समय तक चलेगा। देखिए सबका एक दिन का निकालो कैपेसिटी। ठीक है, तो एक का 1/21, ठीक है, और दूसरे का 1/28। ठीक है, अब दोनों साथ में कंज्यूम हो रहा है ना, जोड़ दो, ये हो गया 84, ये आपका 4, ये आपका 3। ठीक है, इक्वल्स टू 7/84। याद रखना नीचे वाला दिन होता है, लेकिन शर्त क्या है कि ऊपर आपको एक आना चाहिए, यदि एक आ गया तो नीचे वाला आपका दिन हो जाएगा। क्या 84 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कितने बार में, 12 बार में। ठीक है, तो 1/12 हो गया। ठीक है, अर्थात 12 दिन आपका वह फूड स्टॉक चलेगा जब दोनों साथ में खर्च करेंगे, तो 65 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 66 दिया गया है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 500 फीट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 700 फीट इन 10 सेकेंड्स द स्पीड ऑफ ट्रेन। कहता है कि 500 फीट लंबी एक ट्रेन 10 सेकेंड में 700 फीट लंबी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस ट्रेन की गति क्या है। सिंपल सी बात है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय इक्वल्स टू क्या हो गया, 1200/10 फीट बटे सेकेंड, इससे ये कट गया, बराबर 120 फीट पर सेकेंड ट्रेन की स्पीड है, 120 फीट पर सेकेंड आपके डी में दिया गया है, तो 66 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 67 दिया गया है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ एन isosceles triangle are 15 and 22 respectively, what are the possible values of perimeter। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए यहां पर दो conditions हो सकते हैं, ऐसे यदि एक 15 है दूसरा 22 है तो isosceles है, दोनों बराबर होगा, ये भी 22 हो जाएगा, तो आपका 22 + 15 + 22 एक ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा कि ये 22 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए,
देखिए 15 प्लस 15 प्लस 22 ये क्या हो गया 52 और ये क्या हो गया 59। ठीक है, तो 52 और 59 ए में दिया गया है, उत्तर आपका ए निकल के चला आया। 68 दिया गया है, अ सेमी सर्कुलर शेप्ड विंडो हैज डायमीटर ऑफ 63 सेंटीमीटर, इट्स पेरिमीटर इक्वल्स टू, कहा जा रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, ये रहा आपका अर्धवृत्त, ठीक है, और इसका व्यास जो है वह आपका 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, इसका परिमाप ना, तो इसका परिमाप एक तो डायमीटर ऐड होगा और ये पूरा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2πr/2, क्योंकि अर्धवृत्त है तो पाई आर बचा और प्लस 63। ठीक है, तो पाई आपको 22/7 लेना है, 22/7, ठीक है, इनटू, अब यहां पर रेडियस क्या होगा, रेडियस तो 63 का आधा हो जाएगा, तो 63/2 + 63, ठीक है, शतनमा 63, ये आपका 11, ये आपका 99 + 63 क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका 162 निकल के आ गया, कहां दिया गया है आपके बी में, तो 68 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए ना, यहां पर ये डायमीटर दिया गया है, d इक्वल्स टू 63 होगा, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d/2 ना, इसलिए 63/2 मैंने यहां लिखा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे पता है मुझे, तो इसलिए मैं यहां पर साफ साफ बता रहा हूं। ठीक है, ये रेडियस निकाला गया है, त्रिज्या निकाली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अब 69 दिया गया है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ 12 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर हाई रूम, कहा जा रहा है कि 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है, बताइए क्या होगी, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, d इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये आपका 144 प्लस 64 प्लस 81 कितना हो गया बताइए 289, किसका ये स्क्वायर है 17 का, क्या हो जाएगा 17 मीटर लॉन्ग, 69 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, अब देखिए 70 दिया गया है, अ डिस्काउंट ऑफ 24% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अलाउड देन द आर्टिकल सोल्ड एट रुपीज 342, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कहा जा रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है, फिर वस्तु को 342 में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, तो बहुत ही आसान है, 100 में से 24% घटाइए। ठीक है, प्रतिशत के क्वेश्चन बड़े आसानी सॉल्व होते हैं, जो कि बराबर होगा 342 रुपए के। ठीक है, तो ये आपका हो गया 76%, जो कि बराबर है 342 रुपए के। ठीक है, तो इसका 100% क्या हो जाएगा, 100% इक्वल्स टू 342 × 100/76। ठीक है, काटो 4.5 टाइम्स में, इक्वल्स टू क्या हो गया 4.5 × 100 इक्वल्स टू 450 रुपया। ठीक है, ये परसेंटेज निकाल रहे हैं 100%। ठीक है, तो 450 देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 70 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, 71 दिया गया है, मार्क्स ऑफ टू कैंडिडेट्स पी एंड क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 2:5 इफ द मार्क्स ऑफ पी आर 120 देन क्यू आर, कहा जा रहा है कि दो उम्मीदवार हैं पी और क्यू, उनके अंकों का अनुपात 2:5 है और P का अंक 120 है, तो Q का अंक क्या होगा। ठीक है, हमें Q का अंक निकालना है ना, हमें निकालना है Q का अंक। ठीक है, तो Q का अंक कैसे निकलेगा, P का अंक गुने Q का रेशियो बटे P का रेशियो। ठीक है, अब इससे काटो 60 टाइम में, क्या हो गया 60 × 5 = 300। ठीक है, तो 300 आपके C में दिया गया है, तो 71 का C उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, 72 दिया गया है, द स्पीड ऑफ टू कार्स इन द रेशियो 5:4 द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, कहा जा रहा है कि दो कार की जो गति है उसका अनुपात 5:4 है, तो उनके द्वारा समान दूरी तय करने के लिए समय अनुपात क्या होगा ये बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, समय जो होता है वह स्पीड का विपरीत होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पर 4:5 चलाएगा विपरीत। ठीक है, 4:5 आपके डी में दिया गया है, तो 72 का डी उत्तर हो गया। ठीक है,
बहुत ही आसान था। आगे बढ़े, 73rd दिया गया है, इफ द एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x20 इज y, देन द एवरेज ऑफ x1 -101 x2 -101 x3 -101 सिमिलरली x20 -101। कहा जा रहा है कि 20 आंकड़ों का औसत जो है वह y है, ठीक है, x1 x2 x3 x20 तक y है। तो x1 -101, x2 -101, x3 -101, मतलब सब में 101 घटाया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, पहले क्या करते हैं, x1 x2 x3 ठीक है x20 तक का औसत निकाल लो, ठीक है, उसमें से 101 को 20 से गुना कर लो, क्योंकि सब में घट रहा है ना, और उसका औसत निकाल दो, बस प्रश्न सॉल्व हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये आपको दिया गया है y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 x2 x20 तक जो एवरेज है वो y है। तो y माइनस ये क्या हो जाएगा, 101 इंटू 20/20, इससे ये कट गया, इक्वल्स टू y माइनस 101, कहां दिया गया है, b में, तो 73rd का b उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 74 दिया गया है, द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 60, इफ वन नंबर इज चेंज फ्रॉम 28 टू 82 देन द एवरेज इज, देखिए 28 से 82 हो रहा है, मतलब बढ़ी रहा है ना, तो एक बार इसको घटा लो, 82 माइनस 28 क्या हो जाएगा आपका 54, इतना बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 60 × 27 + 54/27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1620 + 54/27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 74/27 काट दीजिए, 62 टाइम में कट जाएगा, 62 आपके सी में दिया गया है, 74 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 जो कि आखिरी प्रश्न है, और दिया गया है, अ मिल्कमैन बाउट 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹630 एंड एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर, इफ ही सेल इट एट ₹9 पर लीटर, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। एक दूध वाले ने ₹630 में 70 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, यदि वह ₹9 प्रति लीटर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखिए 630 में उसने 70 लीटर खरीदा, तो खरीद का मूल्य उसको ₹9 पर लीटर पड़ा, और बेच भी हुआ रहा है ₹9, पर कर क्या रहा है कि 5 लीटर पानी को मिला रहा है, तो 9 × 5 मतलब ₹45 का हुआ फायदा कमाएगा कुल विक्रय मूल्य पे, यही तो निकालना था आपको, 45 का 100/630 है ना, इससे ये कट गया, ठीक है, 9 × 45 और ये 7 × 63 क्या हो गया, 50/7, सातवां ऑप्शन है, बिल्कुल ये हो जाएगा, देखिए 7:1/7% उत्तर आपका 75 का डी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 25 के 25 क्वेश्चन मैंने कर दिए, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इसका उत्तर एवं आपने कितने मार्क्स हासिल किए दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।